क्या ही बोले यार, एक दिन जरूर। सुबह के 9 बजे मुंबई बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती है। सुबह के 9 बजे के पर्सपेक्टिव से हमने देखा नहीं ना कभी, लोग जागरूक हो जाते, धूप भी आती है इधर थोड़ी, अच्छा है अच्छा है, और वो ठंडी हवा भी आती है, और कॉलेज भी वो दिखता है बुरी सामने, लैबोरेटरी सी जो दिख रही है वो कॉलेज ही है मेरा। बाकी इट्स 9 in the morning, फाइनली शेड्यूल इज ऑलमोस्ट ऑन द लाइन, जैसा बोला वैसा कर रहा हूँ। वी आर पुशिंग ईच अदर टू गेट आउट ऑफ आवर बेड एंड गो फॉर अ वॉक, 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं। वॉक जॉक कैसे करना करेंगे, फिल्म सिटी तक जाएंगे, जहाँ भी जाना जाएंगे, स्टेप्स पूरे होंगे आज करने हैं। अभी फिटनेस इससे चालू करते हैं, फिर शाम को जिम भी जाएंगे। एंड वेल व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू रानी लोगो, होप यू लोगो इन हैप्पी गुड मॉर्निंग। दिन में द व्यू इज सो लवली भाई, सो लवली, दैट साइड स्पेशली, दैट साइड द बिल्डिंग्स एंड ऑल, एंड माय कॉलेज राइट देयर, लेट्स गो राइट देयर माय कॉलेज। अब दो तीन चीजें अच्छे से करनी है। मेरे को अभी याद आया कि मेरे को अपने बाथरूम में वो जो प्लम्बर को बुलवा के जेट स्प्रे की पाइप से करानी। भाई बंदे ने फ्लैट दे दिया, दो काम करा दिए, और फिर ब्रोकर ऐसे जो तौर जैसे उसने अचीवमेंट कर दी। बाथरूम का काम कौन कराएगा भाई, है बाथरूम जो खराब तूने दिया उसका क्या, चलो ठीक है एसी जो खराब दिया उसका क्या, एसी सर्विस कराई है मैंने, एसी सर्विस बहाने टपक रहा है, एसी सर्विस ना बहुत बढ़िया सर्विस है तुम्हारी, वो ओनर की अभी तक अलमारी ऐसी रखी हुई है आज, लेकिन हमें ड्राइंग रूम सारा सेटल कर देना है। जल्दी उठ गए तो दोपहर तक सारे काम कर देंगे, सारे के सारे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, इससे एक बार को हम फ्री हो जाए और सेटल हो जाए, एटलीस्ट सेटल तो हो गए हम, एक बार लग जाएंगे ना दोनों डेडिकेशन से, सारा हो जाएगा और बहुत प्यार से हो जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। दाने कम हो रहे ज्यादा हो रहे, आई डोंट नो ब्रो, आई थिंक सो कम हो रहे, लेकिन ये एक्टिव एक्टिव से एक दो यहाँ पे और एक दो यहाँ पे फॉर वियर्ड रीजन। पानी हाँ, मेरा यहाँ के थोड़े पानी इनटेक कम हुआ है, आई नीड टू इंक्रीज द वाटर इनटेक, क्योंकि वो जरूरी है, जब तक वो नहीं पड़ेगा तब तक कुछ चलेगा नहीं ऐसे। ये है भाई यहाँ का पीने वाला आरओ वाला पानी तो पी नहीं रहे, बिस्लरी का ही पी रहे मंगा के बोतल, बट कब तक, अब घड़ा भी लाना और बड़ी वाली बोतलें भी बनानी है, तब तक छोटी छोटी बोतलें पी पी के काम चला रहे हैं और क्या। कॉलेज का एरिया बीच बिस्लिंगुड कह रहा हूँ मैं, फिल्म सिटी, वो बिस्लिंगुड आधा किलोमीटर अंदर है, 1 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर का है ना, हाँ 1 किलोमीटर होगा। वॉक करते करते बारिश आ गई सामने की, वो तो भाग रहे हैं भाई, मैं तो आराम आराम चल के जाऊंगा, लेकिन आज अच्छे से मुंबई की सड़कों पर घूमाऊंगा, मस्त अच्छा लगा, धीरे धीरे करके रेगुलर आदत बनानी है। वाले ब्लॉग देखने कितना प्राउड होने वाले हैं कि लड़का खुद राशन ला रहा है, देख लो इंडिपेंडेंट हो गया, अब देख लो अब रह सकूँ मैं अकेले, दिक्कत नहीं है मेरे को, अब नहीं आ रहा मैं नोएडा, सॉरी भाई कुछ नहीं, इतनी देर से बस बैठे हुए थे, सब कर कुरा के बैठ के मस्त वड़ा पाव मंगाया, मुंबई आके अभी तक मैंने वड़ा पाव नहीं खाया, तो वड़ा पाव खाया मैंने आज। अब क्या टाइम हो रहा है, टाइम इज, रुको घड़ी में देखता हूँ, टाइम हो रहा जी 2:30 और साढ़े तक कोई प्लान है गे नहीं आ, हुण सानू ते मानव दा कॉल आया, वो कहंदा सी कि आपां मिलदे हैं कुरला विच जांदे हैं उधर बॉलिंग करन वास्ते, हुण बॉलिंग इत्थे बड़ी महंगी आ जी, बड़ी महंगी आ, मैं तुहानू दसदा, साडी तां मोटी चेपियां ही लगी उस वेले, सानू इंजॉयमेंट तो हो गया सी, बट सानू दुख भी रहा कि साड़ी इतनी मोटी इतनी वड्डी चेपी लगी थी, 750 रुपए की बॉलिंग, ना ओदा ना कोई सर ना कोई पैर, 2 मिनट की चांदनी, हुण फिर अंधेरी रात सी, बट की करा, सानू भी इंजॉय करन वास्ते थोड़ा तो खर्चा पानी करन पाएगा। आई डोंट माइंड स्पेंडिंग मनी, बट जस्ट दैट आई फील बैड वाइल स्पेंडिंग मनी, घर वालों से बार बार मांगना एम्बैरेसिंग हो जाता भाई, जबकि पता है करना उन्होंने ही है, अभी हमको पता है करना उन्होंने ही है, एम्बैरेसिंग लगना नहीं चाहिए, घर वालों नहीं करना, बट वो पता नहीं क्यों जब से मुंबई आया हूं ना मेरे को एम्बैरेसिंग सा लग रहा है घर वालों से पैसे मांगना, इट्स जस्ट दैट, दिल्ली में नोएडा में बेशर्मों की तरह मुंह पे जो आई रकम वो बोल देता था, ऑल्दो उतने मिलते भी नहीं थे, कभी 1,000 बोल दिए, 500 बोल दिए, उतने मिलते थे उससे ज्यादा नहीं, स्टिल लाइक दैट्स बैड, दैट्स रियली बैड, दैट मतलब इट्स नॉट बैड, आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेकिंग इट इन अ वेरी रॉन्ग सेंस ऑफ वर्ड, बट आई डोंट फील ग्रेट व्हाइल आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स, आई जस्ट फील लाइक a petty loser ki why am I doing this, why am I asking my parents for the money, although they are the whole and sole responsible for the next 3 more years, but still it's just that I started earning and then I messed up my earnings and now I can earn again, but I just need to get a little serious and I will, I'm getting serious, I'm shooting stuff, I haven't posted anything but I have shot a lot of things, so I'll keep on posting that, baki dekhte hain bhi manav ka confirmation hai, then get ready and bounce jaate hain, fir enjoy to dekho karna hi hai, ghar pe baithe baithe bore to hona nahi, ghar mein jitna kaam karna tha sara humne kar bhi diya, wifi wale aaye the bhi wifi ka wo sale karwa ke apne chale gaye, engineer aayega shaam ko ya kal aayega wo alag wifi lagayega, mera wo bed bhi aana tha pata nahi wo kab aayega, but theek hai mostly mere ko fir plumbing ka bhi kuch kaam karana tha, wo bhi
भी हो गया, मतलब घर के कुछ काम ऐसे थे जो कराने थे जो अर्जेंट बेसिस पे थे वो सारे करवा दिए मैंने। अदर देन दैट घर थोड़ा सेटल डाउन, ड्रॉइंग रूम थोड़ा सेटल डाउन करना है, भैया का थोड़ा सामान है वो सेटल डाउन करना है, वो थोड़ा अभी खुद कर लेंगे और थोड़ा मैं हेल्प कर दूंगा, फिर मैं चले जाऊंगा बाहर अगर गया तो, फिर वो थोड़ा अपने आप करेंगे, उसके बाद वापसी मैं जब आऊंगा तब लग जाऊंगा उनके साथ हाथ बटाने में, ऐसी होगा। बट ठीक है जो भी है जैसे भी है, घर पे तो रहूंगा नहीं मैं, घर पे रहूंगा तो बोर हो जाऊंगा अंटिल अनलेस कॉलेज स्टार्ट। नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर द कॉलेज, आई एम जस्ट वेटिंग कि कॉलेज अब स्टार्ट हो जाए, ऑल्दो दैट वुड बी लाइक वेरी हेक्टिक बट आई एम एक्साइटेड। ये देखो धारावी फील्स नियर गोरेगांव ब्रो, ये देखो मतलब घर की इनकी छत है ये, जहाँ कुत्ता है। मुंबई शहर का ऐसी है, एक साइड अमीरी तो दूसरी साइड गरीबी। हमारे यहाँ गरीबी है भी तो वो इतनी विजिबल पॉइंट पे नहीं होती है, लेकिन यहाँ बहुत इजीली विजिबल पॉइंट। लोग रहते कैसे मेरे को तो वो डाउट है भाई, इतना कचरा कचरा कैसे रहते होंगे बदबू। ये देख के पता चलता है कि हम कितनी लग्जरी में रह रहे हैं, कितनी लग्जरी में, कितने आराम में और कितनी लग्जरी में रह रहे हैं, इससे पता चलता है कि घर वालों ने कितना करा था। क्या ही बोले यार, एक दिन जरूर अपने घर वालों को भी रीबैक तो कर नहीं सकता, लेकिन एक दिन जरूर राज करूंगा भाई, नाम कमा के जाऊंगा इधर तगड़ा नाम, और नाम पूरे मुंबई में चलेगा फिर एक दिन। मैनिफेस्टिंग दिस इन अनदर 3 years, दिस विल हैपन फॉर श्योर इन अनदर 3 years। याद रखना एडिट बनाना इसको। सामने टावर दिख रहा है वो एयरपोर्ट का टावर है सामने, एग्जैक्टली दूर है, और देखो कितनी दूर है, मतलब ये वाइड एंगल हो गया, बट वो नेक्स्ट में दिखाता हूँ। अब देखो वो दिख रहा होगा बस इतना है ये। फॉर एग्जाम्पल ये सामने वाली बिल्डिंग सीधे में 1 किलोमीटर, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैवल करना है, और ऑलमोस्ट वो 15 से 20 से 25 से 30 मिनट का भी कुछ भी हो सकता है, उधर की टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं हो, कभी कभार 1 घंटा भी हो सकता है वहाँ तक पहुँचना। फॉर दैट 7 किलोमीटर्स, फॉर दैट एक्चुअल 1 किलोमीटर विच इवेंचुअली टेक्स 7 किलोमीटर्स और 8 किलोमीटर्स, फॉर दैट यू नीड टू ट्रैवल अलॉट। टूटेगा एक दिन बहुत तगड़ा। हम ट्राई कर रहे हैं मेरे कॉलेज में घुसने की विदाउट एक्चुअली गेटिंग द कार्ड एंड ऑल। हम नहीं ट्राई कर रहे, तू कर रहा है। मतलब हाँ भैया पे तो है कार्ड सब है, तो कॉलेज के पास ही जिम है, प्लस इनको कुछ कॉलेज में काम, और मेरा मन है कॉलेज देखने का, मैंने देख रखा है तो तब भी, लेकिन चुल तो है ना, देख कुछ ना कुछ टाइम पास करना पड़ेगा दोस्तों का प्लान कैंसिल है तो, ऐसे ना ऐसे तो बकैती काटेंगे दोनों भाई, कुछ ना कुछ करेंगे तो जाके देखते हैं। हाँ यार ये लिफ्ट भी नहीं आती इधर, लेकिन 13 फ्लोर कैसे है? वैसे तो 13 फ्लोर अब शगुन माने जाते हैं, 13वां नंबर। अरे सूरी यार, अरे सूरी 13th ऑफ गया आप तो, अगले साल बनाएंगे, मेरा आ रहा है बर्थडे आ रहा है, घर से अलग होके बनाऊंगा पहली बार रोते रोते या हंसते हंसते। आओगे कैमरा में आओगे? No, just the thanks. Yeah, bro, it's camera shy, I'm telling you, dog, like he's very camera shy, you know what I'm saying, like, P-Town, P-Town. घुस गए कॉलेज में, ओ घुस गए। तो ऐसा व्यू तो किसका मन नहीं लगे भाई पढ़ने में, यहाँ ये अपना बास्केटबॉल कोर्ट है और अपना मेन एमपी थिएटर एरिया, यहाँ शूट्स वूट्स हो जाते हैं। गुड एरिया ब्रो, गुड कॉलेज, फ्यू डेज मोर। आए भाई विस्लिंग उड़ के जिम आए, आज हम कर लिया जिम, चेस्ट एंड शोल्डर, ग्रेट वर्कआउट, फर्स्ट वर्कआउट इन मुंबई, फाइनली डन, गुड वर्कआउट। शॉर्ट शॉर्ट ही रखा, थोड़ा थोड़ा लाइट ही रखा क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसलिए। भाई इस समय जाएंगे, क्या टाइम हो रहा है? 8:30। आपने मेरे को उस दिन मना करा था कि 7:30 के बाद जाने नहीं देते इधर से फिल्म सिटी से बाहर। कॉलेज के थ्रू अगर तू शूट कर रहा है कॉलेज में, कुछ तो अलाउड नहीं है बाहर निकलने। अच्छा यहाँ क्योंकि बाघ आ जाते हैं। ओ जा रहे भाई, अंधेरा सा हो गया, आ गए मसूरी, आ गए बढ़िया जगह है मसूरी, बहुत अच्छी जगह है, मजा आ रहा है यहाँ पे, इसलिए नहीं चल रहा मेरे को लगा तेरे ब्लॉग चलाना कौन, मार दो अच्छे से ठोक दो पूरी यार। यहाँ मेरे ना नोएडा वाले दोस्तों वाली बात ना करो कि इसलिए नहीं चल रहे तेरी कॉन्टेंट क्रिएशन या ब्लॉग्स। क्या बोलते यही बोलते हराम ही है ना सोनू, अगर तू देख रहा ना बेटा याद रखियो एक दिन तू ही मेरी पैंट्री में काम करेगा, याद रखियो तू ये साले एंड्रयू टेट के लड़के। झाड़ू पोछा ठीक है, 1000 रुपए में बर्तन और ये बेडशीट पूछी, 8000 डन, चलो डन, हैप्पी बर्थडे। ऐसे आधे आधे कटे प्याज सीधा बीच से काटे आपको से मुंबई में ही मिल सकते हैं, क्या ही बोलें। हाउ बैचलर्स ईट, गुड मील, लास्ट मील है बाहर का, अब उसके बाद घर का ही खाना आएगा, घर में ही खाना बनेगा, सब सेट है अब इसके बाद से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत चपत लगा ली बाहर के खाने में, अब से डाइट होगी तगड़ी। तू थोड़ा पागल है साले। क्या हुआ? दिमाग में कमी है थोड़ी। क्यों? बस देख ले पर मेरे साथ। अरे यार चीजें बता, लोग मेरे को कह रहे हैं यार और बताओ बैचलर रहने में होता क्या क्या। किसने बताया बोला ऐसा? मेरे को मेरे दोस्त बोल बोलते कॉल वॉल पे, भाई दिखा कैसी होती है बैचलर लाइफ ये सब, अब मैं थोड़ा तो दिखाऊंगा, इतना सब तो दिखाई नहीं रहा मैं जो हम इतने और भी ड्रामे करते हैं। क्या हुआ बताओ ना। बढ़िया है, वेरी गुड, गुड बॉय ब्रदर।